Hello everyone, I am Narayan Jain. In the last video, we covered knockout versus fixture from class 12 chapter 1. Now today's topic is fixture in league or round robin tournament. Three methods are used in fixture in league tournament. First, cyclic method, second, staircase method, third, tabular method. We will cover in detail the first two methods because these two methods are included in the syllabus. Now first, cyclic method. So in this method, if the number of teams is even, team 1 is fixed on the top of right side and the other team move in the clockwise direction, down one side of a rectangle and up on the other side. In such a case, the number of round will be n minus 1. There are n teams participating. However, if the number of teams is odd, a bye is fixed at the top and all teams follow it in sequence. Number of round will be n. If we have to find out number of matches in all single league tournament, then the formula is total number of match equal to n in bracket n minus 1 by 2. Means cyclic method mein agar number of team even hai to number 1 team ko right side ke top pe fix kar denge tatha any sabhi teamon ko clockwise direction mein rotate karte rahenge. Yadi number of team even hai to round ke liye formula hoga total number of round n minus 1 hoga. Aur yadi odd hai तो फिर हम बाई को फिक्स करेंगे और बाकी सारे सभी टीमों को क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ राउंड नंबर ऑफ टीम के इक्वल होगा, मींस एन होगा. इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फिक्चर ऑफ सिक्स टीम्स ऑन साइक्लिक मेथड, टोटल नंबर ऑफ टीम सिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाई 2, मीन्स 6 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 6 इंटू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 30 बाई 2 मीन्स 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 होंगे. राउंड यहाँ नंबर ऑफ टीम इवन है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा राउंड का फॉर्मूला, मीन्स 6 माइनस 1 इज इक्वल 5. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीम इज 6, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 एंड टोटल नंबर ऑफ राउंड 5. अब हम इसे साइक्लिक मेथड की तरह इसको हम ड्रॉ करेंगे इसका फिक्चर. तो फर्स्ट 6 टीम है तो नंबर 1 टीम को जिसको कि फिक्स करना है 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पे ये नंबर 1 टीम फिक्स्ड है अपनी जगह पे. अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम. ये क्लॉकवाइज एंड 6 नेक्स्ट राउंड में 6 2 के पास आ जाएगा और बाकी सारे क्लॉकवाइज रोटेट होते रहेंगे. जैसे 6 के जगह पे 5 आ जाएगा और 4, 5 की जगह पे 5, 1 एट इट इज 6, 2, 3, 4. ये हो गया सेकेंड राउंड. ये राउंड 1, ये राउंड सेकेंड एंड नेक्स्ट 1 एट इट इज ऑफ 5, 6 की जगह पे आ जाएगा, मीन्स 5, 6, 2, 3, 4. अब 4, 5 की जगह पे आएगा. 1 फिक्स्ड अपने जगह पे, एडिट इज 4, 5, 6, 2, 3. और नेक्स्ट 1 अपने जगह पे एडिट इज रहेगा, 3 आ जाएगा 4 की जगह पे, 3, 4, 5, 6,
and 2. ये हो गया हमारा, ये हो गया राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ, राउंड फिफ्थ। ये हमारा हो गया साइक्लिक मेथड का फिक्सर। इसमें अब देखेंगे हर एक राउंड में मैच कितने हुए। तो 6 का मैच 1 से, 5 का मैच 2 से फर्स्ट राउंड में, 3 का मैच 4 से, यानी कि फर्स्ट राउंड में 6 वर्सेस 1, 5 वर्सेस 2 एंड 4 वर्सेस 3। सेकेंड राउंड में 5 वर्सेस 1, 4 का मैच 6 से, 3 का मैच 2 से। थर्ड राउंड में 4 का मैच 1 से, 3 का मैच 5 से, 2 का मैच 6 से। फोर्थ राउंड में 3 का मैच 1 से, 2 का मैच 4 से एंड 6 का मैच 5 से। लास्ट राउंड 2 का मैच 1 से, 6 का मैच 3 से, 5 का मैच 4 से। यानी कि फर्स्ट राउंड में टोटल 3 मैच, सेकेंड राउंड में भी 3 मैच, फोर्थ राउंड में भी 3 मैच, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी राउंड में 3 मैच हुए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैच 3 × 5 = 15। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ मैच 15, राउंड हो गया 5 और हमारा ये साइक्लिक मेथड निकल गया। ये तो था इवेंट टीम का। अगर हम इसी को और टीम ले, सपोज टोटल नंबर ऑफ टीम। अब हम साइक्लिक मेथड का एक एग्जांपल और टीम का देखेंगे। 10 से डिनोट करते हैं नंबर, टोटल नंबर ऑफ टीम को, वो हो गया 5। और टोटल नंबर ऑफ मैचेज अगर निकालना है तो 5 ब्रैकेट में 5 − 1/2 = 5 × 4/2 = 20/2 = 10। ये हो गया। और अगर इवन है तो ये टोटल राउंड हो जाएगा n, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीम के बराबर। अब हम इसका देखते हैं साइक्लिक मेथड से फिक्सर बना, तो हो जाएगा 5 है। यानी कि 5 में डिस्कस किए थे हम लोग कि यहाँ पे बाई को हम फिक्स करेंगे। जैसे इसमें है कि हम लोग बाई को फिक्स करेंगे, अगर ऑड रहेगा तो बाई को फिक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले बाई को फिक्स करेंगे और बाकी टीमों को रोटेट करते रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया, रोटेट क्लॉकवाइज होते रहेंगे। अब 5 1 की जगह पे आएगा तो बाई अपनी जगह पे फिक्स, 1 की जगह पे 5 एंड 1, 2, 3, 4। बाई मीन्स हर एक टीम को इसमें, अगर और टीम है तो हर एक टीम को इसमें बाई मिलता रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा बाई अपनी जगह पे एडिटिज रहेगा, 4 आ जाएगा 5 पे के स्थान पे, तो 4, 5, 1, 2, 3। नेक्स्ट बाई अपने जगह पे 3, 4 के स्थान पे आएगा, तो 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2। 2 आ जाएगा 3 के स्थान पे नेक्स्ट राउंड में, तो बाई अपने स्थान पे एडिटिज, 2 आएगा 3 के स्थान पे, 3, 4, 5, 1। यहाँ पे 5 राउंड हो गए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। अब इसका अगर हम मैच देखें, टोटल नंबर ऑफ मैच हर एक राउंड में अगर मैच देखें, तो 5 को तो बाई मिला है फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड का मैच 4 vs 1 एंड 3 vs 2। वैसे सेकेंड राउंड में
फोर को बाई सेकेंड राउंड में फोर को बाई मिला, तो थ्री का मैच फाइव से एंड टू का मैच वन से। थर्ड राउंड में थ्री को बाई मिला है, तो दो बाकी टीम दो का मैच हो जाएगा फोर्थ नंबर की टीम से और वन नंबर की टीम का मैच हो जाएगा फाइव नंबर की टीम से। और फोर्थ राउंड में टू को बाई मिला है, तो वन का मैच थ्री से हो जाएगा और फाइव का मैच फोर से हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट राउंड में वन को बाई मिला है, तो फाइव से टू नंबर की मैच को नंबर की टीम का मैच होगा और फोर नंबर की टीम का मैच थ्री नंबर की टीम से होगा। ये हो गया हमारा और टीम नंबर ऑफ टीम का साइक्लिक मेथड का फिक्स्चर। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टेयर केस मेथड पे। नाउ सेकेंड इज स्टेयर केस मेथड। इन दिस मेथड द फिक्स्चर आर मेड सिमिलर टू अ स्टेयर केस। दे आर अरेंज इन सिक्वेंशियल फॉर्म। देयर इज नो बाय एंड नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड और इवेंट। देयर फॉर इट इज अ इजीएस्ट टू अरेंज। मीन्स इसका फिक्स्चर जो बनेगा वो स्टेयर केस की तरफ बनेगा और इसमें बाई और इवन ऑड की समस्या नहीं आती है। इसे ये स्टेयर केस मेथड को हम एकदम इजी वे में कर सकते हैं। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे ड्रॉ अप अ फिक्स्चर ऑफ नाइन टीम ऑन राउंड रॉबिन यूजिंग स्टेयर केस मेथड। टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है? नाइन। नंबर ऑफ टीम को हम एन से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन बाई टू। मीन्स नाइन नाइन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू नाइन इंटू एट बाई टू। मीन्स सेवेंटी टू बाई टू इज इक्वल टू 36। यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस 36। अब हम इसे स्टेयर केस की तरफ पिक्चर बनाएंगे। तो फर्स्ट हम नंबर वन जो हमारा टीम है, जैसे टोटल नंबर ऑफ टीम नाइन है, तो वन का मैच टू से करा देंगे। फिर अगेन वन का थ्री से, वन का फोर से, वन नंबर की टीम फाइव से, वन का सिक्स, वन सेवन, वन वन का एट, वन का नाइन। ये हमारा हो गया नंबर वन की टीम से सारे अदर टीम का मैच हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब वन का हो गया, वन का टू से हो गया। अब टू का नंबर है, टू का मैच थ्री से, फिर अगेन टू का मैच फोर से, टू का फाइव से मैच, टू का सिक्स नंबर टीम से मैच, अगेन टू का सेवन से, एट अगेन टू का नाइन से। ये अब नंबर टू की टीम जो है उसका भी अदर नंबर वन की टीम से तो इसका ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो बाकी टीम से इनका नंबर टू की टीम का मैच होगा। ये हो गया। अब वन का भी हो गया, टू का भी हो गया, थ्री का एक नंबर है, थ्री का टू से भी हो चुका है, थ्री का वन से भी हो चुका है, इसलिए अब थ्री का फोर से स्टार्ट हो जाएगा। थ्री नंबर का की टीम का मैच फोर से, फिर अगेन थ्री का फाइव से, थ्री नंबर का सिक्स से, थ्री नंबर का सेवन से, थ्री का एट और थ्री का नाइन से। ये हो गया नंबर थ्री टीम का मैच सारे अदर टीम से हो गया। अब अगेन थ्री का हो गया, फोर का नंबर है, फोर फोर से तो होगा नहीं, और फोर का टू से भी हो चुका है, थ्री से भी हो चुका है और फोर का वन से भी हो चुका है, इसलिए फोर का फाइव से स्टार्ट करते हैं। फिर अगेन फोर का सिक्स से, फोर सेवन, फोर नंबर की टीम का एट नंबर की टीम से, फिर फोर नंबर की टीम का नाइन नंबर की टीम से। ये हमारा हो गया फोर नंबर की टीम का सारे अदर टीमों से मैच। अब आता है नंबर नेक्स्ट फाइव का, फाइव का सिक्स से, अगेन फाइव का सेवन से, फाइव नंबर की टीम का एट से एंड फाइव नंबर की लास्ट नाइन से। ये हो गया। अब सिक्स का नंबर है, तो सिक्स का सेवन से, सिक्स का अगेन एट से, सिक्स का नाइन से। अब सेवन नंबर का एट,
सेवन नंबर का नाइन से, लास्ट में बचा का एट जिससे कि नाइन से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सारी टीमों से सारे अदर टीमों का मैच हो चुका है।